मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल तक हमने पढ़ा था पॉलीगन, ठीक है, और आज हम पॉलीगन को खत्म करने के बाद आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो देखो चतुर्भुज लिखना है आपको, चतुर्भुज, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रिलेटरल, क्या कहते हैं, क्यू यू ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। आप मुझे बताना क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। देखो नाम से आपको पता चल रहा है चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। आप यहां मेरी बात ध्यान से सुनना, चतुर्भुज में देखो ये चतुर्भुज मैंने बना दिया, ये मैंने चतुर्भुज बना दिया। अभी मैं ना तो समलंब चतुर्भुज की बात कर रहा हूं, ना मैं समचतुर्भुज की बात कर रहा हूं, और ना मैं समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ चतुर्भुज की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ चतुर्भुज की। इस चतुर्भुज को क्या बोलते हैं बताओ इंग्लिश में, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं वो आप ध्यान से सुनना। ये साइड इसकी क्या है, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया आपने बी, इस पॉइंट को नाम दे दिया आपने सी, और इस पॉइंट को नाम दे दिया आपने डी। तो देखो जो इसके अंदर साइड है ना, वो साइड आप मान सकते हैं कि इसमें एक साइड आपको दे दी एक्स, और एक साइड आपको दे दी वाई, और एक साइड दे दी आपको जेड, और एक साइड आपको दे दी डब्लू। ठीक है, तो इसमें चारों साइड आपको दे देता है, वो चारों साइड आपको दे देता है। और क्या करते हैं हम उसमें, आप ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां पर ये जो साइड है आपकी, ये क्या है, एक विकर्ण मान लिया आपने इसको, क्या मान लिया है, इसको विकर्ण, मतलब इसमें आपको विकर्ण दे देता है, ये आपका डायगनल है। ठीक है, ये क्या है आपका डायगनल, ये क्या है आपका डायगनल। आप मुझे ये बताना सबसे पहले कि जब आपको ये डायगनल दे देगा और चारों साइड आपको दे देगा, तो इसमें कितने त्रिभुज बन गए बताओ। एक तो त्रिभुज ये बन जाएगा, एक तो त्रिभुज ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हाँ या ना बताओ ना। एक तो त्रिभुज ये बन गया, इसका एरिया आप किससे निकाल सकते हैं, हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, निकाल सकते बताओ। जब आपको एक तो डायगनल दे देगा तो तब ये त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं ना हीरोन सूत्र से, है ना। और एक बात आप मुझे बताओ कि अगर मान लो जब आपको इसका एरिया निकाल लिया इस त्रिभुज का, तो इससे इसका एरिया आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ये भी आप हीरोन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना। अरे बताओ ना, इसका आप जो एरिया है हीरोन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ये बता दो आप मुझे पहले। इसका भी एरिया आप किससे निकाल सकते हैं, हीरोन फॉर्मूले से। अगर आपका ये फॉर्म ये एरिया अगर आपका ये एरिया निकल जाएगा, तो आप मुझे बता दो कि आपका दोनों एरिया निकल जाएंगे ना। अरे बताओ ना, तो इसमें कितने ट्रायंगल बन गए बताओ, इस ट्रिप इसमें इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो त्रिभुज बन जाएंगे, और दोनों का एरिया आप हीरोन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आपने त्रिभुज के अंदर हीरोन फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो आप इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो आप बताओ जो ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसका फॉर्मूला निकल जाएगा। इसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं, पता होगा आपको कि जब आपको चारों साइड दे रखी है और एक डायगनल आपको दे रखा हो, तो इससे आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। बात आ गई समझ में, नहीं आई बताओ, ये आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट, फिर देखना आप, मैं एक यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, एक मैंने फिर से क्या बना दिया, एक चतुर्भुज बना दिया, मैंने क्या बना दिया, एक चतुर्भुज बना दिया। इसका नाम मैंने मान लिया ए, इसका नाम मान लिया मैंने बी, एक नाम मान लिया मैंने सी, एक नाम मान लिया मैंने डी। आप मुझे बताना सबसे पहले, अगर ये डायगनल इसका, ये इसका क्या है, डायगनल है,
ये इसका डायगनल बना दिया मैंने। ठीक है, ये आपका क्या है, डायगनल है। आप मुझे बताना ये डायगनल की लंबाई आपको दे देगा, वो इस डायगनल की आपको लंबाई मान लो दे देगा, आपने डायगनल की लंबाई मान ली आपने x, क्या मान ली, और यहां से एक लंब डाल रहा है वो, इधर से एक लंब डाल दिया ऐसे, और एक लंब आपने इधर से डाल दिया ऐसे। इस लंब की लंबाई क्या है, एच वन मान ली, इस लंब की लंबाई क्या है, एच टू मान ली। आप मुझे बताना अगर आपको एक डायगनल दे दे और लंब की लंबाई आपको दे दे, तो आप मुझे बताओ आप इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, इस वाले का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, एक बटा दो, और बेस कितना है इसका x, और हाइट कितनी है इसकी h1। ठीक है, इसका आप एरिया कैसे निकाल सकते हैं, देखो एक बटा दो है ना, बेस कितना है इसका x, और हाइट कितनी है h2। भाई ये एरिया a1 और ये एरिया आप क्या नाम दे सकते हैं इसको, a2। आपको पहली कंडीशन क्या देगा, अगर चारों साइड दी और एक डायगनल दे रखा हो तो आप एरिया ऐसे निकाल सकते हैं हीरोन फॉर्मूले से। दूसरी कंडीशन अगर आपको इनके लंबों की लंबाई दे दे और एक डायगनल की लंबाई दे दे, तो आप इस इनका सबका एरिया, दोनों त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं, इन दोनों को अपन जोड़ देंगे। ये बताओ दो पॉइंट आपको क्लियर हुए कि नहीं हुए इसके अंदर, चतुर्भुज के अंदर। अरे बताओ ना दो पॉइंट क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना, तो इन दोनों पॉइंटों का आप नोट कर सकते हैं। देखो अब हम क्वाड्रिलेटरल के अंदर पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट क्या बनता है इसमें, चतुर्भुज से रिलेटेड पहला पॉइंट। ठीक है, ये क्या बनता है आप ध्यान से देखना, मैं क्या है चतुर्भुज बना रहा हूं ऐसे, कि मैंने एक चतुर्भुज बना दिया इस तरीके से, देखना एक बार। ये पॉइंट नंबर मैंने मान लिया ए, और ये पॉइंट मैंने मान लिया बी, और ये पॉइंट मान लिया मैंने सी, और ये पॉइंट मान लिया मैंने डी। ठीक है, कितने पॉइंट मान लिए मैंने, चार पॉइंट मैंने मान लिए। ठीक है, तो आप देखना मेरी बात ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को मैं किससे मिला दूं, इससे मिला दूं, मिला दिया, इस पॉइंट को मैंने इससे मिला दिया। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने मिला दिया इससे, अब आप देखना ये क्या है इसका ए वन मान सकते हैं आप इसको, क्या मान सकते हैं इसको, मैंने नाम दे दिया ए वन, क्या नाम दे दिया, ए वन नाम दे दिया। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने ए टू, ए वन इंटू ए टू। ठीक है, उसके बाद आप मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका नाम दे दिया मैंने ए थ्री, और इसका नाम दे दिया मैंने ए फोर। भाई जो ये ट्रंगल है ना, ये ऊपर वाला इस दो इस साइड से है, ये ए ए वन है, और इसके विपरीत क्या है ए टू। ठीक है, इसके विपरीत क्या है ए टू है, और ये वाला क्या है बताओ, ये वाला एरिया क्या है इसका, ये क्या है ए थ्री, और ये इसके विपरीत ए फोर। तो चार त्रिभुज बढ़ रहे हैं, चारों का मैंने आपको एरिया बता दिया। ये क्या होता है ध्यान से मेरी बात सुनना, इसका एरिया क्या होता है ध्यान से सुनना। देखो ये क्या किसके बराबर होता है, ए वन इंटू ए टू, और बराबर होता है ए थ्री इंटू ए फोर के। बात आ गई समझ में, नहीं आई ये बताओ, अगर आपको ए वन का, ए वन जो है ना इसके सामने ए टू, इसके सामने ए थ्री, के सामने ए फोर, तो ए वन इंटू ए टू बराबर ए थ्री इंटू ए फोर होता है। आप बताओ इसको डायरेक्ट लिखा, मैं प्रूफ करके बताऊं कहाँ से आया, बताओ ना, अगर प्रूफ करके, प्रूफ पूछना चाह रहे हो प्रूफ करके बता रहा हूँ, आप देखना इस बात को ध्यान से सुनना, ये क्या है बताओ, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ओ, ये क्या है इसका थीटा है, तो आप बताओ इस लाइन के सामने ए वाला क्या होता है बताओ, आप मुझे ये बता दो कि अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर ये थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, बता सकता है कोई, 180 माइनस थीटा होता है ना, ये होता है कि नहीं, तो बताओ। तो अब आप मुझे बताना, ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो इसके सामने वाला भी तो थीटा होगा है ना, और मान लो अगर ये 180 माइनस थीटा है, तो इसके ये क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ऐसे कोण बराबर होते हैं विपरीत कोण, ऐसे ये थीटा ये थीटा ये है, तो ये इस तरीके से। अब आप मुझे ये बताओ सबसे पहले, अगर मुझे दो साइड पता है, ये वाली ऐसे दो साइड अगर मुझे पता है, मान के
देखो इसको आपने नाम मान लिया x, इसको y, इसको क्या मान लिया a और इसको क्या मान लिया b। आप चारों साइडों को अलग अलग मान लो, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताना, इसको देखना आप, इस वाले त्रिभुज को अगर आपको दो साइड पता हो, उनके बीच का अगर आपको एंगल पता हो, तो आप कैसे निकाल सकते हैं बताओ। A1 का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? A1 बराबर क्या होता है? 1/2 है ना, x और y, और क्या जाएगा? साइन थीटा। ऐसे निकाल सकते हैं क्या? अरे ऐसे ही निकाल सकते हैं ना, जब दो साइड दी हुई हो तो आप उसका एरिया ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप इस A4 का एरिया कैसे निकाल सकते हैं बताओ, ध्यान से देखना। A4 का एरिया 1/2, ये साइड क्या है y और ये क्या है a, तो ए वाई साइन 180 माइनस थीटा है ना। A4 बराबर 1/2 ए वाई साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है बताओ? ये बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा ना, साइन ही रहेगा। और देखना साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस का ही रहेगा ये, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर क्या आ गई? 2। आप बताओ ये बात दोनों समझ गए कि नहीं समझे? आप दोनों बात समझ गए ना। तीसरी बात देखो, A2 का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, A3 का एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। A3 का एरिया, इस A3 का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से मेरी बात को आप समझो। A3 का एरिया x और b, यानी 1/2 और b x साइन 180 माइनस थीटा। आगे देखो, A3 बराबर 1/2 बी एक्स साइन थीटा। समीकरण नंबर क्या आ गई? 3 आ गई। आप बताओ 180 माइनस थीटा साइन में है, तो आप मुझे बताओ अगर ये 90 से कट रहा है तो इसका जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होता है, साइन ही रहता है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद देखो A4 की बात चल रही है, A4 तो ले लिया, A2 की बात चल रही है। अब तो बताओ ये साइड आपको दी हुई है और ये साइड आपको दी हुई है, और बीच का एंगल आपको पता है क्या है? बीच का एंगल पता आपको थीटा है, तो इसका हम एरिया निकाल सकते हैं ना। कैसे निकलेगा? 1/2 भुजा क्या है A, और B क्या है आगे? साइन, और ये क्या है? थीटा। समीकरण नंबर क्या जाएगी बताओ? 4 आ जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ आप। आप चारों समीकरणों को देखो एक बार। पहली ये क्या है, दूसरी और ये क्या है, तीसरी और ये क्या है बताओ, चौथी। ये चौथी समीकरण। चार समीकरणों को देखो, आप बताओ कि एरिया A1 का, और देखना एरिया A1 को हम किससे गुणा कर दें? A1 को किससे गुणा कर दें बताओ? A2 से गुणा कर दें बताओ। किससे गुणा कर दें? 1/2 ए बी साइन थीटा। ये क्या है आप मुझे बताओ? अगर मैं आपसे कह दूं A1 का और A2 का, देखना, और A3 का, और ये क्या है A3 का, ये A4 का, ये रहा, दिख रहा है ना आपको? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताओ ना। A1 का देखना आप एरिया कैसे निकाला मैंने, एक्स वाई साइन थीटा जाएगा। A4 का कैसे निकाला है बताओ? ए और वाई साइन थीटा जाएगा, आ जाएगा ना। A3 का देखो क्या है, एक्स और बी, बी एक्स साइन थीटा जाएगा, और इसका क्या है, ए बी साइन थीटा आ जाएगा। इतनी बात बताओ समझ में आएगी नहीं आई आपको? यहाँ तक बताओ, कोई अगर किसी भी तरीके की आपको समस्या है तो, है कोई समस्या यहाँ तक? मैंने चारों का एरिया निकाल दिया ना, चारों का एरिया। अब आप आगे देखना, A1 और A2 को मल्टीप्लाई करो आप, A1 और A2 को मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1/2 A1 कितना है, A1 बताओ 1/2 है ना, और क्या है एक्स वाई, और ये क्या है साइन थीटा है ना। और A2 कितना है, 1/2 ए बी कितना है साइन थीटा। ये किसका एरिया आ गया, A1 इंटू A2 का एरिया आ गया। क्या आ गया देखो, 1/4
एक बटा दो को एक बटा दो से गुणा करेंगे, एक बटा चार ए बी एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका एरिया आ गया, ए वन इंटू ए टू का आ गया ये, है ना, ए वन इंटू ए टू का एरिया आ गया। अब आप देखना यहाँ पर ए थ्री इंटू ए फोर का देखना, ए थ्री और ये क्या है, ए थ्री है ये वाला, और ए फोर कौन सा है, ए फोर, ये है ए फोर का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक बटा दो को एक बटा दो से गुणा करेंगे, एक बटा चार आ जाएगा, है ना, ए बी बी एक्स और ए वाई, तो ये भी क्या जाएगा, ए बी एक्स वाई, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये एरिया किसका आ गया बताओ, ए थ्री इंटू ए फोर का आ गया ना। आप बताओ दोनों के एरिया बराबर हैं कि नहीं, बता दो आप मुझे, दोनों के एरिया बराबर है ना, तो इनके एरिया बराबर है तो ये भी तो बराबर हो जाएंगे, ए वन इंटू ए टू ए थ्री इंटू ए फोर। बात आ गई समझ में नहीं आई, इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं।